नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एप्टीट्यूड सीरीज में। आज का हमारा एजेंडा है DILRDS। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, क्योंकि आज तो ऑडियो क्लास है। तो आज का एजेंडा आपने अगर पहले भी देखा हो तो आपको पता होगा कि मैं DILRDS और वर्बल की क्लास और कंटेंट डेवलपमेंट सेशन इस तरह से लेना प्रेफर करता हूँ। इससे मुझे लगता है कि ज़्यादा नीट एंड क्लीन और बढ़िया से समझ में आता है। ग्राफ वगैरह की चीज़ें हैं, तो जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं, आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, नाम है MB ट्रेनर सौरभ ठाकुर, और वहाँ पे जाके और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, जिसमें कैट IIM के नाम से, बैंक SC के नाम से, या फिर एप्टीट्यूड सीरीज के नाम से बहुत सारे प्ले लिस्ट हैं। और वीडियोज आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, उसमें वीडियोज अवेलेबल है। बहुत वैरायटी के वीडियोज आपको मिलेंगे, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो DILRDS के वीडियोज हैं। इसके अलावा वोकेबलरी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे वीडियोज हैं, जिफी में चिपका है, चुटकी में चिपका है, फेविक्विक, तो जिफी वर्ड हो गया। इसी तरह से इंटरमिनेबल लव ऑफ वीरन ज़ारा, अनएंडिंग लव ऑफ वीरन ज़ारा, अंकल स्क्रूज ने कहा चारों के चारों बीगल बॉयज को, तुम चारों के चारों चार्लेटन हो। चार्लेटन कोई वर्ड होता नहीं, शार्लेटन होता है। शार्लेटन में तो धोखा देने वाला, ठगने वाला। बदलापुर वैसे, वेंजेंसपुर। इसी तरह से एकदम सिंपल सामान्य भाषा में मैंने यहाँ पे वर्ड्स रखे हुए हैं ताकि आप बढ़िया से याद कर पाए। और इस तरह से कंटेंट डेवलपमेंट सेशंस उसमें अवेलेबल है। कंटेंट डेवलपमेंट सेशन मतलब यूजुअली जो मैं एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करता हूँ, मेनली इसका उद्देश्य होता है एक रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है उसके लिए, और इसके लिए GDPI के लिए। और आप देखेंगे दिसंबर मंथ के एंड से रिटन एबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आप देखेंगे इस तरह के टॉपिक्स धीरे धीरे बहुत तेज़ अपलोड होंगे। अभी रिटन एग्जाम के हिसाब से बहुत सारे क्वांट के भी आपको वीडियोज वहाँ पर मिल जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, आसिया बीबी वाला केस हो गया, चाहे मिस्टर ट्रंप का जो सिटीजनशिप के ऊपर जो बात चल रही थी, जो सेंट्रल अमेरिका के लोग माइग्रेट करके वहाँ आ रहे थे, तो उस पर जो उन्होंने सोच रहे थे कि किस तरह से चेंजेस करें, या मिड टर्म इलेक्शन के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आप जहाँ भी हैं तो आप ये जाके देख सकते हैं। हो सकता है आप कैट IIM की तैयारी कर रहे हो, या फिर जैट, IFT, मैट, CMAT, NMAT, इस तरह से इंडिया के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स, SSC, बैंक, FCAT, चाहे वो प्रोविजनल ऑफिसर हो, क्लरिकल हो, कोई सा बैंक का एग्जाम हो, FCAT का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कैंपस का एग्जाम हो, या इवन GRE या GMAT, इन सारे बच्चों के लिए ये सेशंस उपयोगी हैं बहुत ही। बस मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, फाइन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन एप्टीट्यूड सीरीज का। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, आज का जो हमारा एजेंडा है DILRDS, और इसमें भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है DI का। एक बढ़िया पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। IQ इंपॉर्टेंट है, लेकिन IQ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कमिटमेंट टुवर्ड्स आर वर्क प्रायोरिटी। और वो प्रायोरिटी जब आप सेट करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप डेली बेसिस पे उसको फॉलो करते हैं। दीज डेली रूटीन्स, दीज डेली डिसिप्लिन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ आर IQ और IQ मेहनत करते जाइएगा। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो आप मेहनत करेंगे, आपको उसका आउटकम जरूर मिलेगा, फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा है DI। देखिएगा ग्राफ किस तरह से गिवन है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। ओके, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मैंने एग्जैक्टली कैट 2006 का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया है, राइट। चलिए देखते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन क्या था। ये मैंने यहाँ पे भी आपके रख दिया। इन अ क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 10 पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? 10 पेपर, ठीक है। ये रहे 10 पेपर्स, ठीक है। और इन 10 पेपर्स को 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप है PCB, एक ग्रुप है मैथमेटिक्स, दूसरा तीसरा ग्रुप है सोशल साइंस, वर्नैक्युलर एंड इंग्लिश। तो ये ग्रुप है पहला, ये ग्रुप है दूसरा, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है, और ये पांचवा ग्रुप है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया था 5 ग्रुप्स, ठीक है। ईच ऑफ द 10 पेपर्स आर इवेलुएटेड आउट ऑफ 100। तो मैक्सिमम मार्क्स है सभी में 100। द फाइनल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं फाइनल स्कोर? फर्स्ट द ग्रुप स्कोर्स आर ऑप्टेंड बाई एवरेजिंग। तो जो भी ग्रुप स्कोर्स हैं उनका एवरेज कर दिया, ठीक है। इन पेपर्स विद इन द ग्रुप, ठीक है, तो ग्रुप में एवरेज कर दिया, ये मैं समझ चुका हूँ। और उसके बाद फाइनल स्कोर कैसे निकाला गया? सिंपल, उसके बाद एवरेज कर दिया गया सारे के सारे स्कोर्स को लेके, ठीक है। द डेटा ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी बात हो रही, जिस भी क्लास के बारे में, उसके टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनका दिया गया। कोई लड़का होगा दीपन नाम से, दीपन स्कोर इज इन इंग्लिश, पेपर 2 हैज बीन इंटेंशनली रिमूव्ड फ्रॉम द टेबल। तो उन्होंने बोला दीपन करके जो लड़का है उसका स्कोर जानबूझ के
हटाया गया है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो ये रहा पीसीबी, आप देख सकते हैं, ये रहा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का ग्रुप, ये रहा पीसीबी का ग्रुप। पीसीबी के अंदर हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट। तो ये हो गए वो तीन पेपर्स, ये एक ग्रुप है। इस तरह से मैथ्स, ये रहा सेकंड, ये रहा सोशल साइंस, ये है थर्ड, इसके अंदर दो सब्जेक्ट्स है। वर्नैक्युलर, इसके अंदर ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। जो इस क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि पांच ग्रुप्स हैं, कहा गया था ना अभी, ये कहा गया था हमें, क्या कहा गया था, ये देखिए पांच ग्रुप्स, 10 पेपर्स हैं। 10 पेपर्स को भी देख लेते हैं। एक, ओके कलर चेंज करता हूँ, आपको डाउट नहीं होगा। ये हो गया 10 पेपर्स, ये हो गया एक, दो, दिस इज थर्ड वन, फोर्थ, हिस्ट्री हो गया फिफ्थ, ज्योग्राफी हो गया सिक्स्थ, ये वर्नैक्युलर का पेपर वन सेवन्थ, पेपर टू एट्थ, इंग्लिश का पेपर वन नाइन्थ, और ये हो गया 10th। ओके, तो 10 पेपर, इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। और जो चीज हमको बोला गया था एवरेज के बारे में, वो ये बोला गया था कि पहले एवरेज जो आप निकालें तो विद इन द ग्रुप मार्क्स का एवरेजिंग कर दीजिए। ठीक है, वो मैं समझ गया। विद इन द ग्रुप मार्क्स की एवरेजिंग करने का मतलब कुछ ऐसा होता है, जैसे आयशा, ये जो है 98, 97, 96, तो इनको हम लोगों ने क्या किया, इनको ऐड कर दिया और इसका एवरेज निकाल दिया। करेक्ट पॉइंट है। वैसे एवरेज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई थ्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमको करना है एवरेज, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाई टू कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाई टू कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाई टू। अभी देखेंगे और इसको तेज बना सकते हैं, वो देखेंगे, अभी तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको सिर्फ। ठीक है, उसके बाद बोला कि ओवरऑल, यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा था इन्होंने, क्या लिखा था यहाँ पे, फाइनल स्कोर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल सभी का एवरेज कर दें। ठीक, समझ गए हम, मतलब इससे जो भी एवरेज मार्क्स आ रहा हो उसको लीजिए, इसको मार्क्स, इसका मार्क्स लीजिए, इसका एवरेज लीजिए, इसका एवरेज और इस ग्रुप का एवरेज, तो जो टोटल आ रहा हो उसको डिवाइड बाई क्या कर दें, फाइव। सर फाइव क्यों, पाँच ही तो ग्रुप्स है ना, ये पहला ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप था, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा, और ये आपका फाइनल मार्क्स मतलब 96.2 तैयार हो गया। ठीक है, अब ये आयशा मैं समझ गया, राम, दीपन, सागनिक, संजीव, श्रेया, जोसेफ, अग्नि, प्रीतम एंड टीना। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा एकदम तेज तेज ये सब नहीं बताऊंगा, पहले आप आराम से समझिए पहले क्वेश्चन को, क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। इसलिए मेरा अभी ऑब्जेक्टिव स्पीड नहीं, स्पीड तो आ जाती है, बड़ी बात नहीं है। और क्या दिया हुआ है, बी और जी, जो भी लिखा हुआ होगा ये इंडिकेट कर रहा है कि जो जो स्टूडेंट है वो एक लड़का है या एक लड़की है, वेदर इट इज अ बॉय बॉय और अ गर्ल, वेदर द पर्सन इज अ बॉय और अ गर्ल। देख लेते हैं, ऐसा लिखा था कि हाँ आयशा एक गर्ल है, राम एक बॉय है, दीपन एक बॉय है, सागनिक एक बॉय है, संजीव इज अ बॉय, श्रेया इज अ गर्ल, जोसेफ इज अ बॉय, अग्नि इज अ बॉय, प्रीतम इज अ बॉय एंड टीना इज अ गर्ल। फाइन, आई हैव अंडरस्टूड ऑल एवरीथिंग। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन सिक्स में इसके अंदर चार सवाल दिए गए थे, हम चारों के चारों सवाल देखने वाले पीस बाय पीस। क्या लिखा है, हैड अगर क्या होता, जोसेफ, अग्नि, प्रीतम, टीना, ईच, ये आर नहीं है, चलो टी नहीं है, ईच ऑप्टेंड अ ग्रुप स्कोर ऑफ 100, अगर इनको मिला होता ग्रुप स्कोर 100, किस ग्रुप में, पांच ग्रुप्स थे हमने देखा था, पांच ग्रुप्स थे, पीसीबी एक ग्रुप था, मैथ्स एक ग्रुप था, सोशल साइंस एक ग्रुप था, वर्नैक्युलर एक ग्रुप था, इंग्लिश एक ग्रुप था, पांच ग्रुप थे, किस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, इन द सोशल साइंस ग्रुप। ओके फाइन, इफ दे वुड हैव गॉट दिस, तो इनको अरेंज करना है, देन दे आर स्टैंडिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, फाइनल स्कोर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चार लोग इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये चार लोग, अगर इनका ग्रुप स्कोर होता 100, कौन से ग्रुप में, सोशल साइंस में, तो इनके फाइनल स्कोर जो भी आते हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले बात, ये चार लोग कौन कौन है, जोसेफ, अग्नि, प्रीतम, टीना। आपने नोटिस किया होगा तो दीपन के बारे में बताया गया था, ये क्वेश्चन मार्क जानबूझ के दिया गया, मतलब दे वांट अस टू सॉल्व दिस। ठीक है, और कहीं भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं सोशल साइंस के ग्रुप में, ये रहा सोशल साइंस का, आई एम सॉरी, ये रहा सोशल साइंस का ग्रुप दिस। सोशल साइंस में दो ही सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, अब आइए जोसेफ के केस में, ये रहा जोसेफ, ध्यान से देखिएगा, जोसेफ के मार्क्स है 94, 95, 97। वैसे एवरेज हम दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू भी कर सकते हैं, बाकी ऐसे ही देखो ना, ये रहा 94 है, 94 से कितना ज्यादा है, ये 94 से 3 ज्यादा है, करेक्ट पॉइंट है ना, तो 3 को दोनों में डिवाइड कर दो, डेढ़ डेढ़ डिवाइड हो गया,
तो इसका मतलब जोसेफ का अभी का एवरेज था यहाँ पे 95.5, करेक्ट पॉइंट है, कुछ किया नहीं। ये रहा 94, ये 94 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो 3 का डिवाइड बाय 2 करके दोनों को बराबर बराबर बांट दिया। नहीं समझ में आया, और देखिए ये था 95, ये था 96, 95 95 तो दोनों में कॉमन हो गया, 1 एक्स्ट्रा बचा, 0.5 0.5 डिवाइड कर दिए। अग्नि का भी एवरेज था 95.5, इस ग्रुप का एवरेज है ना 83 95। ये 83, यहाँ से भी 83 देख लो, 83 से कितना ज़्यादा, 12, 12 को डिवाइड कर दो ना, नहीं ज़्यादा, 12 जो कि 7 7 5 12 डिवाइड बाई 2, तो 6 6 डिवाइड हो गया, 83 + 6 हो गया 89। इसका मतलब सोशल साइंस वाले ग्रुप का एवरेज इनका 89 है। आप दोनों को ऐड भी कर सकते हो, लेकिन उतना अननेसरी टाइम वेस्ट मत करो ना आप। 85 ये हो गया, इसमें 85 तो रहेगा, 85 से कितना ज़्यादा है ये वाला पार्ट, 85 से कितना ज़्यादा है, 5 4 9, तो क्या कर दो, 9 डिवाइड बाई 2, दोनों को बांट दो, 4.5 4.5 4.5 4.5, इसको बांट दिए तो कितना हो गया 89.5। तो अब मुझे क्वेश्चन समझ में आया, क्या समझ में आया, जोसेफ जोसेफ जिस इस लड़के का एवरेज था 95.5, करेक्ट है, इसमें कौन से ग्रुप में, सोशल साइंस वाले ग्रुप में, अग्नि अग्नि का एवरेज था 95.5, वंस अगेन सोशल साइंस वाले ग्रुप में। ये क्या नाम, इस गर्ल बॉय का प्रीतम, प्रीतम का एवरेज था 89 और टीना का जो एवरेज था वो था 89.5। ये बोला गया है कि अगर इनका एवरेज हो जाए 100, देखो सॉल्व कर सकते हैं, एकदम डिटेल डिटेल में लिख लिख के सॉल्व कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं, रुकिए मैं आपको अच्छे से को लिख के समझाता हूँ, देखिएगा आप ध्यान से। ये रहा पहला लड़का, डार्क कलर लेते हैं, ये रहा पहला लड़का जोसेफ, करेक्ट है, आपने देखा होगा जोसेफ के एवरेज क्या था, जोसेफ का एवरेज था 95.5, देखिएगा ध्यान से 95.5। अगर मैं इसे बढ़ा के कर दूं 100, यही बोला गया, अगर ये 100 होता तो, अगर ये 100 होता तो कितना ज़्यादा हो गया होता, 95.5 में मैं कितना ऐड करूं, 4.5, तो बेसिकली ओवरऑल एवरेज पहले कितना था जोसेफ का, इस लड़के देखिए अच्छे समझिए, ओवरऑल एवरेज पहले था 95, राइट, अग्री करेंगे आप भी, तो इस लड़के का जो ओवरऑल एवरेज पहले 95 था, अब क्या कर दो, इस 4.5 को, 5 ग्रुप्स हैं तो 5 डिवाइड कर दो, 4.5 को मैंने डिवाइड किया 5 तो आ गया 0.9, और 0.9 अल्टीमेटली हर एक में ऐड हो गया, मतलब अब जो नया एवरेज आएगा वो आएगा 95 जो पहले था प्लस 0.9, ये आ गया नया एवरेज इसका। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, और देखो फिर से, जोसेफ के बाद कौन है इंसान उनका देखते हैं, जोसेफ के बाद एक और लड़का आ गया अग्नि, ध्यान से देखिएगा अग्नि के केस में, अब देखते हैं ध्यान से, ठीक है, चलो ये हो गया अग्नि, अग्नि भी एक लड़का है, अग्नि के केस में देखो सबसे पहले आप ध्यान से देखना, ये हो गया पहले का इनका एवरेज किसका, सोशल साइंस के ग्रुप का कितना है 95.5, ओके, ये हो गया पहले का एवरेज, कितना एवरेज हो गया 95.5, अगर बोला गया इसको बढ़ा के अभी कर दिया गया 100, बाकी चीजें छोड़ो आप मुझे ये बताओ 100 - 0.5 कितना आ गया, 4.5 आया, 4.5 आए, बढ़ा रहे हो, ये आप जब बढ़ाओगे तो हर एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे ना भाई, करेक्ट पॉइंट है। पहले पहले इनका अग्नि का ना था, पहला था 94.3, ठीक बात है, तो पहले के ग्रुप का एवरेज था 94.3। अब इस 4.5 को 5 लोगों के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 ग्रुप्स के बीच में, मतलब कुल मिला के वन अगेन 0.9 इसमें ऐड कर दिया, तो इसमें फिर से हम लोगों ने ऐड किया 0.9, तो इसका नया फाइनल एवरेज आ गया, समझ पा रहे हैं आप लोग, तो ये हो गया 94.5, अल्टीमेटली दिस इज 95.2, दिस इज द न्यू एवरेज, इसे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सर सच बताओ मुझे अभी भी समझ नहीं, अरे कुछ नहीं होता, फिर बता देता हूँ, देखो और अग्नि के बाद प्रीतम, प्रीतम का कितना मार्क्स है 89, इसको भी हमको करना क्या है, लॉजिक तो वही है ना यार, प्रीतम ये रहे तो ये है प्रीतम, इनका मार्क्स है 89, 89 से बोला गया इनको बढ़ाओ और 100 करो, कितना बढ़ा, चलो आप ही बताओ, ये सर 100 - 89 11 बढ़ा ना, अब इसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, यहां तक तो आप भी समझ गए होगा, गया 2.10 मतलब 2.2, करेक्ट है, तो पहले पुराना एवरेज देखते हैं ना यार, उसमें फिर हम 2.2 ऐड कर देंगे, किसका पुराना एवरेज देखें, प्रीतम के केस में था 93.9, काफी हेल्दी एवरेज, तो इनका था एवरेज 93.9, लेकिन ये तो पुराना था,
अगर इस ग्रुप में 100 मिला होता तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? प्लस 2.2, अल्टीमेटली 95.9, और ये एक और तो कितना आ गया, 96.1। तो भी नहीं समझ में आया तो एक और देख लो, एक और इंसान कोई तो भी बचा ही। कौन बचा? टीना। इनका एवरेज था 89.5। चलो तो ये हो गई हमारी टीना जी, इनका एवरेज है 89.5, और ये बढ़ा के करने बोला गया हमें 100। फिर से वही चीज बोलूंगा, देखो कोई नई चीज नहीं है। और ये हो गया 89.5, तो ये हो गया 10.5। इस 10.5 को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 5 तो करोगे ना यार आप। अल्टीमेटली कितना हो गया, दिस इज 2.1। अब आप ये चेक करो कि टीना का पहले एवरेज कितना था। इनका एवरेज था पहले 93.7, ठीक है? तो ये इनका पुराना एवरेज था 93.7। अब क्या करें, नया एवरेज ऐड कीजिए। एडिशनल कितने का बोनस हो रहा है, 2.1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया यहाँ पे। तो 93 प्लस 2 हो गया 95, सो नया एवरेज आ गया 95। बस अब आपको इसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। रेडी, एक बार चेक कर लें। चलो सबसे ज्यादा 95.8 तो टीना हो गई, देखते हैं इनसे आगे कोई है क्या। 95.9 उनसे आगे तो है, 95.2, लेकिन 96 से ज्यादा कोई नहीं है। तो हमारे हिसाब से सबसे पहले नंबर पे आएंगे प्रीतम प्यारे, उसके बाद आएंगे जोसेफ जो है 95.9, इसके बाद जो टीना जी है हमारी ये 95.8 में, और इसके बाद लास्ट में जो आएंगे 95.2, ये हो गए अग्नि। तो हम देख लेते हैं ये ऑप्शन अवेलेबल भी है कि नहीं। प्रीतम, जोसेफ, टीना और फिर अग्नि, चेक करें। तो हमारे हिसाब से आना चाहिए प्रीतम जो, अरे तो पहले ही ऑप्शन हो गया, बहुत सही। तो ये है इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन, प्रीतम जोसेफ ये सब चौक। लेकिन आपको मीनिंग समझ में आया कैसे निकाला हम लोगों ने? हम हर एक को ऐड कर सकते थे लेकिन वो नहीं किया ना, हम लोगों ने डिफरेंसेस को यूज किया। तो हमारे हिसाब से आंसर आना चाहिए फर्स्ट, जो कि एकदम करेक्ट है, राइट? चलिए इसी में और आगे देखें। काफी अच्छा एनालिसिस का, बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली, पता है। अब आप देखो फिर से क्या बोला गया, स्टूडेंट हु ऑब्टेन ग्रुप स्कोर, ग्रुप स्कोर कितना, ग्रुप स्कोर मतलब जिनको मिला है कम से कम एटलीस्ट 95 का एवरी। मैंने आपको पहले ही बोला था इस तरह के वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक ग्रुप में वही लोग एलिजिबल होंगे प्राइज के लिए, ठीक है? जो भी प्राइज मिले, दोज अमंग दोज हु आर एलिजिबल द स्टूडेंट ऑब्टेन द हाइएस्ट ग्रुप स्कोर इन सोशल साइंस ग्रुप। तो सबसे पहली बात तो हर एक ग्रुप का एवरेज 95 है, उससे ज्यादा होना चाहिए, और उसमें से भी हाईएस्ट सोशल साइंस ग्रुप का जिसका होगा एवरेज, उसको अवार्ड मिल जाएगा, प्राइज मिल जाएगा। तो चेक किसको करें हम, श्रेया, राम, आयशा, दीपन या फिर टॉप 10 में नो वन फ्रॉम टॉप 10। तो मतलब कुल मिला के 4 ही ऑप्शन है बेसिकली, नो वन फ्रॉम टॉप 10 का मतलब तो कोई होगा ही नहीं फिर, है ना? चलिए तो श्रेया, राम, आयशा, दीपन, देख लेते हैं इनका क्या स्टेटस है। सबसे पहले श्रेया, ये हो गई श्रेया, कहाँ है भाई ये श्रेया, श्रेया ये रही। श्रेया के अलावा आयशा, आयशा के अलावा और कौन है, राम, राम के अलावा दीपन। सभी लोगों के सारे नंबर्स गिवन है, हाँ श्रेया के सारे नंबर्स यहाँ पे गिवन है, यहाँ तक के आयशा के केस में भी यस, राम के केस में भी यस, दीपन। तो अपन दीपन का भी सॉल्व करते हैं ना, ये जैसे इन तीनों का मिला के, देखिए पुराना वाला ग्राफ यूज कर लेते हैं ना हम, देखिएगा तो दीपन वाले केस को पहले लिख लेते हैं। दीपन के केस में ये रहा दीपन, थोड़ा सा गंदा हो गया, मैनेज कर लीजिएगा। ये हो गया 98 98 98। तो इस लड़के का, इस ग्रुप का एवरेज कितना हुआ, ये हो गया 98, अग्री करते हैं आप? ये रहा 95, तो ये तो अकेला ग्रुप तो क्या ही होगा, तो प्लस कर दिया मैंने 95। चलो ये तो मैं समझ गया, 9 और ये हो गया 95, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया भाई, 95.5। चलो बढ़िया, 95.5 इधर ऐड कर देते हैं वर्नैक्युलर 96, और ये हो गया, तो अल्टीमेटली ये आ गया 95, ठीक बात है 95। ये छोड़ो, इसको अभी हटाओ यहाँ से, इसको ले लेते हैं एक्स, और 5 ग्रुप्स हैं तो 96 × 5 480, ठीक बात है ना भाई, 96 × 5 कर दिया, 5 ग्रुप्स थे ना मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसलिए ये वाली स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। इनको ऐड कर दिया 98 प्लस 95, 95.5, 383, ठीक है 383.5। चलो ये भी बढ़िया हो गया अपना, तो ये हो गया 383.5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 480,
सॉरी इज इक्वल्स टू 480 ही आ गया। तो अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को माइनस कर दिए तो 96.5। तो 96.5 लेकिन किसी एक का मार्क्स नहीं है, 96.5 एवरेज मार्क्स है। अग्री करते हैं 96.5 जनरेट कैसे होगा ये इनका एवरेज करने से? तो डेफिनेटली दीपन का ये मार्क्स होगा 97। तभी तो 97 प्लस 96, तभी तो एवरेज आएगा 96.5। समझ में आ गया सभी को? एक बार फिर से देख लीजिए दीपन में, ये तीनों का एवरेज किया तो 98 ही आना है। ये तो 95 अकेला ही है, इसका एवरेज किया 95.5, इसका एवरेज किया 95। मैंने इन दोनों को मैंने एक्स ले लिया, ठीक है ना, दोनों का एक्स ले लेते हैं एवरेज को। 96 को 5 से मल्टीप्लाई किया, पाँच ग्रुप थे ना, 1 2 3 4 और ये 5, इसलिए मल्टीप्लाई किया तो 480 आ गया। अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू आ गया 96.5, उसके लिए इसको होना चाहिए 97, तभी आएगा 97 प्लस 96 इज 96.5। ठीक है, तो मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया कैसे दीपन का जो दीपन का कौन सा मार्क्स इंग्लिश ग्रुप का सेकंड पेपर का मार्क्स कैसे लगके आ रहा है 97। तो एक काम करते हैं, अब मैंने तो निकाल ही दिया इसको 97, तो ये 97 में लिख देता हूँ। अब आइए इस क्वेश्चन पे, इसके पहले आप भूल जाएं, बोला गया था हर एक ग्रुप का एवरेज 95 होना ही चाहिए। चलो देखते हैं कौन एलिजिबल। सबसे पहले आयशा से शुरू करते हैं, 95, अरे ये तो क्लियर कट दिख रहा है 95 से ज़्यादा है। 98, यस, इस ग्रुप में भी है, मैथ्स वाले ग्रुप में भी है ना। इधर देख लेते हैं, ये हो गया 95, ये हो गया 90, अरे गड़बड़ घोटाला हो गया, इसका एवरेज तो 94 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अभी। फिर से हम आपको बोल दो डिफरेंस को देखा करो, जैसे हो गया 93 95, तो 2 का डिफरेंस हो गया, दोनों को डिवाइड कर, दोनों को दे दिए 94। आयशा जी बाहर हो चुकी हैं। राम, राम के केस में देख लेते हैं, ये तो 95 से ज़्यादा ही है, ये सही है ग्रुप का, मैथ्स वाले ग्रुप में सही है। राम जो है ये सोशल साइंस वाले ग्रुप में भी सही है, बहुत बढ़िया। इधर आ जाते हैं, वर्नैक्युलर गड़बड़ हो गया ना, अगर मैं 94 94 ले लेता हूँ यहाँ पे तो साफ सफा चट गड़बड़ हो गया, राम भी बाहर हो गए, ये भी नहीं है। दीपन का केस को देख लेते हैं, दीपन के केस में 98 90, ये तो बिल्कुल ठीक है, 95 से ज़्यादा, ये तो 95 से ज़्यादा है ही। 96 95 सोशल साइंस ग्रुप में, हाँ ये भी 95.5 है। वर्नैक्युलर 96 से 94, मतलब 95 एवरेज आ जाएगा, ये भी ठीक है। 96 97, अरे सुपर्ब, दीपन तो है ही एकदम, बहुत सही। देख लेते हैं अगर आयशा, मतलब आयशा ने कौन बचा, श्रेया, श्रेया क्या हो रहा है श्रेया के साथ, वो भी देख लेते हैं। श्रेया के इसमें 96, अरे कहाँ से कवर होगा भाई, 96 89 है, ये तो यही साफ हो गई, बिल्कुल नो चांस। सो व्हाट शुड द आंसर, इट वाज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एकदम बढ़िया सवाल था। आंसर आ गया दीप, तो हमारे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए दीपन। आप समझ रहे इस क्वेश्चन में क्या देखने को था, हर चीज ऐड मत कीजिए, डिफरेंस को देखिए, उससे आपका ना एवरेज क्वेश्चन बहुत अच्छा सॉल्व होगा। अगर आप में से कुछ बच्चों ने पिछला क्वेश्चन देखा होगा जो मैंने बार ग्राफ का बताया था, एक फैकल्टी ऐड होने का, रिटायर होने का, वो भी एवरेज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, वो भी कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और लैट में ही पूछा हुआ पहले, वो ध्यान रखिएगा इस तरह। अगर नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने ऐसे ऐसे स्काई स्क्रेपर्स बने हुए, उसमें ऐसे अलग अलग फाइनेंस मार्केटिंग OM ऐसा करके अलग अलग बार ग्राफ्स बने हुए हैं, 2000 2001 2003 2004, इस तरह से, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो जरूर देखिएगा। तो हमारे हिसाब से आंसर हुआ दीपन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कैट 2006 में, इसमें तीसरा क्या आया था वो भी देख लेते हैं। तीसरा पूछा गया था हाउ मच डिड दीपन गेट, अरे वाह ये होता है लक, अभी हम सॉल्व किए रहे, अच्छा हाँ, लेकिन इसका ऑप्शन चॉइस देखिए कितना लाजवाब है। देखिए उसी वक्त मैंने आपको टोका था कि 96.5 एवरेज आ रहा है, याद है आपको, हम लोगों ने जब सॉल्व किया तभी मैंने आपको बोला था कि 96.5 जो आंसर आ रहा है वो वैल्यू नहीं है। मैंने आपको दिखा जब सॉल्व हम लोगों ने किया था, इधर नहीं, इसके और पहले किया था हमने सॉल्व, ये इधर हमने जब सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू ये देखिए 96.5। मैं उस वक्त ही बोला था 96.5 इन दोनों का एवरेज है ना, आपको 96.5 एवरेज तब आएगा जब आप ऐड करेंगे 96 प्लस 97 और इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तब आएगा आपका ये आउटकम 6.5। नहीं, सेकंड वाले पेपर में दीपन के मार्क्स आने चाहिए 97। इस तरह की चीज़ों को मैसअप मत कीजिएगा, अच्छा नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा इसको, इसलिए जानबूझ के आपने 96.5 दिया, लेकिन हम इस ट्रैप में नहीं फंसने वाले, 94 तो सवाल ही नहीं उठता। दीपन ये जो लड़का है इसके मार्क्स है 97 सेकेंड पेपर में, ये तो हम सब कुछ निकाल चुके हैं, ये मार्क्स है 97, करेक्ट है ना, अभी तभी तो इसका एवरेज आया था 96.5। यस, हम लोगों ने ये तो सॉल्व कर लिया था। इसमें एक सवाल और आया था, अच्छा इसका आप देख लीजिए पहले करेक्ट आंसर, यस ठीक है। अब इसमें आप एक सवाल नहीं, तीन सवाल आए थे इसमें, तो ये था कैट 2006 का एवरेज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें जो मुझे मेनली आपको बताना था ना, वो किस तरह से सॉल्व करना है,
मतलब हमेशा सबको ऐड नहीं करते रहना, आप इसके डिफरेंसेस को भी बहुत बखूबी यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम आप एवरेज अगर करेंगे तो इस तरह से डिफरेंस को देखिएगा, 95 93, तो 93 तो दोनों के पास अवेलेबल है, वो तो है ही सही एवरेज, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, दोनों को 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ओवरऑल एवरेज आ गया 94 इस तरह से, राइट। तो ये डिस्कशन हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके आगे ये चीज देखेंगे हम लोग और फ्यूचर के क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में। तो एक बढ़िया पॉजिटिव नोट के साथ फिनिश करते हैं, योर ड्रीम डज नॉट हैव एन एक्सपायरी डेट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई अगेन। तो आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया बात है। अगर आप एक आध पेपर में अच्छा नहीं करते हैं, खराब करते हैं, होता है ना, हम मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन हमारा टेस्ट अच्छा नहीं, दिमाग खराब हो जाता है, मूड खराब, सर मैं नहीं पढ़ूंगा, और हम लोग गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, सब नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट। आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो गुस्सा भी उतना आता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लेकिन फिर वापस उसी एनर्जी के साथ बैठो, क्योंकि हमको खुद को बूटस्ट्रैप करके निकालना है ना, क्योंकि हमारी लाइफ है, वी नीड टू वर्क हार्ड, द मोर यू स्वेट द मोर यू शाइन, डोंट डोंट विश इट वॉज ईजियर, थिंक यू वर बेटर, बिकॉज इट इज नॉट लेसर प्रॉब्लम्स दैट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इन टू योर लाइफ, इट इज अटेनमेंट ऑफ मोर स्किल्स दैट विल श्योरली डू। तो मेक श्योर करें कि आप ज्यादा से ज्यादा स्किल एक्वायर करें, जबरदस्त मेहनत करें। फाइनली जाते जाते आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, आप ये वीडियो जहां पर भी देख रहे हो, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे खूब सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वहां जाके बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, राइट। कमेंट करके बताइएगा आपको मजा आया कि नहीं, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग के कॉमेंट्स में जरूर पढ़ता हूँ, मैं और मेरी छोटी सी टीम है, हम सभी लोग पढ़ते हैं आपके कॉमेंट्स, और जिस भी चीज में प्रॉब्लम फेस करें, जो भी टॉपिक आपको चाहिए कि सर ये टॉपिक पर डिस्कशन हो सकता है क्या, विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट के हम उस पर डिस्कशन करें, फाइन। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं, तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।